5G का जो नेटवर्क है वो शायद आपको 2020 तक आपको इंडिया में देखने को मिले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इससे पहले आपको 5G के फोन्स इंडिया में देखने को मिल जाएं। तो देखते हैं कि कौन कौन से 5G के फोन है जिनका लॉन्च ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया इंडिया के लिए। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है सैमसंग गैलेक्सी S10 5G, जो कि गैलेक्सी S10 का एक 5G वाला मॉडल है, और इस फोन में आपको 6.7 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि इस S10 प्लस से भी ज्यादा बड़ी होगी। इस फोन में 4 कैमरा होंगे पीछे की तरफ और 4500 mAh की बैटरी होगी, और गैलेक्सी S10 5G में आपको एक्सिनोस 9820 के प्रोसेसर के साथ एक 5G का मोडेम और 5G के एंटीनास भी देखने को मिलेंगे जो स्पेशली डिजाइन किए जाएंगे इस फोन में 5G इनेबल करने के लिए। और अगर हम इंडिया लॉन्च के बारे में बात करें तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। वैसे देखा जाए तो अभी दुनिया की हर कंट्री में आया नहीं है और धीरे धीरे आ रहा है, तो आने वाले समय में ये फोन भी इंडिया में आ सकता है। इसी के साथ ही गैलेक्सी नोट 10 5G भी इंडिया में आ सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि गैलेक्सी नोट 10 आने वाले टाइम में इंडिया में आएगा, और हो सकता है कि जब इंडिया में 2019 का एंड होने वाला तब शायद आपको कहीं ना कहीं इंडिया में 5G देखने को मिल जाए और उस समय इस फोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाए। अगर बात करें नोट 10 5G में आपको क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो प्रोसेसर होगा वो भी अपग्रेड हो जाएगा जो कि होगा एक्सिनस 9825, और हाँ इसमें भी आपको 5G मॉडेम और 5G के एंटीनास देखने को मिलेंगे, लेकिन ये ऑफिशियल गैलेक्सी नोट 10 के साथ नहीं आएगा, उसके कुछ महीनों के बाद इस फोन को लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ ही LG V50 ThinkU 5G भी आने वाला है। ये फोन भी आएगा लेकिन ये थोड़ा सा लेट आएगा। एक्चुअली में इस फोन का जो लॉन्च है वो US में भी लेट हो गया है, लेकिन डेफिनेटली ये फोन इंडिया में आ सकता है, और जब इंडिया में आएगा तो LG का फोन है तो कीमत थोड़ी सी ज्यादा तो होने वाली है। इसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, स्नैपड्रैगन 855 होगा, जो क्वालकॉम का X50 मॉडेम है वो देखने को मिलेगा, तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है इस फोन के अंदर। इसके बाद ही बात करें तो जिस कंपनी ने कंफर्म कर दिया कि वो अपना सबसे पहले 5G फोन इंडिया में लाने वाली है, तो वो है Huawei, और Huawei MateX इनका ऐसा फोन है जो कि फोल्डेबल फोन है, और इस फोन के अंदर आपको 5G मॉडेम देखने को मिलता है, और आने वाले कुछ महीनों में इस फोन का लॉन्च जो है वो इंडिया में कंफर्म है, तो आप समझ सकते हैं कि ये फोन इंडिया में आने वाला है। लेकिन याद रखिए कि ये फोन एक काफी नया फोन है, फोल्डेबल फोन भी, इसके अंदर आपको 5G देखने को मिल रहा है, तो इस फोन की जो कीमत है लगभग 1.5 लाख रुपए के ऊपर भी जा सकती है, तो ये इंडिया में आने वाला पहला 5G फोन होगा और इंडिया का सबसे महंगा फोल्डेबल और 5G फोन भी हो सकता है। लेकिन Huawei ने कंफर्म कर दिया कि ये फोन आपको इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही OnePlus 7 Pro का एक 5G वर्जन भी आने वाला है। एक्चुअली में अभी क्या है कि OnePlus 7 Pro नॉर्मल लॉन्च होने वाला है, इसके कुछ महीनों के बाद यानी कि 1.5 महीने के बाद आपको OnePlus 7 Pro का 5G वर्जन देखने को मिलेगा, और बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि जो 5G मॉडल होगा ना OnePlus 7 Pro का, वो आपको इंडिया में देखने को मिल जाए, यानी कि उसका लॉन्च बहुत ही जल्दी इंडिया में हो सकता है। अगर बात करें तो OnePlus 7 Pro 5G में एक्स्ट्रा क्या होगा, तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 855, सेम कैमरा, सेम पॉपअप कैमरा, सेम डिस्प्ले होने वाला है, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा चीज होने वाली है ना वो होगी इसके अंदर क्वालकॉम X50 मॉडेम, जिससे जो OnePlus 7 Pro है ना वो 5G कैपेबल हो जाएगा। तो OnePlus 7 Pro भी आने वाला है, और इसकी कीमत आप समझ के रखिए कि 50,000 रुपए के ऊपर ही होने वाली है, और ये OnePlus का अभी तक का सबसे महंगा फोन होने वाला है, और सेम ऐसा ही केस OnePlus 7T के साथ भी होगा, यानी कि जो OnePlus 7T है उसका भी एक 5G वर्जन आने वाले टाइम में OnePlus निकालेगी, और वो थोड़ा सा ज्यादा लेट आएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर वो OnePlus 7 Pro में 5G डाल सकते हैं तो OnePlus 7T में भी वो 5G डाल सकते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या करने वाले, और आने वाले कुछ महीनों में हमें इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग और इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। इसके साथ ही सोनी भी अपना एक फोन लाने वाली है 5G फोन इंडिया के लिए, जो कि होगा सोनी एक्सपीरिया फोन। लेकिन ये जो 5G फोन है ना, इसको उन्होंने अभी टीज किया था MWC में, इसके अभी लॉन्च डेट के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद ऐसी की जा रही है कि एक्सपीरिया वन भी आपको शायद देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही शाओमी भी अपना एक 5G फोन ला सकती है, और शायद से वो कम्प्लीटली शाओमी का एक 5G फोन हो सकता है, या फिर आने वाले समय में जो रेडमी का जो फ्लैगशिप फोन आने वाला है ना, तो ये उस कैटेगरी में जा सकता है, या फिर पोको F2 का एक 5G वर्जन आ सकता है, तो एक ऐसा कुछ 5G फोन इंडिया में ला सकती है। और अगर शाओमी लाएगी तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये सबसे सस्ता 5G फोन होने वाला है। और इसके बात करें रियलमी की, तो रियलमी की तरफ से एक्चुअली किसी फोन का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनके CEO मिस्टर माधव सेठ ने हिंट दिया था कि रियलमी भी अपना आने वाले टाइम में एक फ्लैगशिप और एक 5G फोन लाने वाली है, तो हम समझ सकते हैं कि रियलमी की तरफ से भी एक 5G फोन देखने को मिल जाए। लेकिन हो सकता है कि 2019 की एंड में या फिर 2020 की स्टार्टिंग में आपको ये फोन देखने को मिले, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि रियलमी और रेडमी अगर अपने 5G
फोन्स लाएंगी तो हो सकता है शायद आपको 2020 तक बजट में आपको 5G फोन्स देखने को मिल जाए। इसी के साथ ही ओप्पो रेनो का भी एक 5G फोन है जो कि इंडिया में लॉन्च हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी उन्होंने स्विट्जरलैंड में उसे लॉन्च किया, तो ये फोन भी इंडिया में आने वाला है। तो ये थी एक छोटी सी लिस्ट उन 5G फोन्स के बारे में जो आपको इंडिया के मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि सारे के सारे ये फोन आपको 2019 में ही देखने को मिल जाए। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते अगर आपको कोई सा 5G फोन लेना हो तो इनमें से वो कौन सा फोन होगा, तो ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।